एक बार भरा समाज पूरा दरबार अकबर का, और बीरबल हाजिर जवाबी। अकबर ने कहा, बीरबल मेरे से ज्यादा प्रशंसा तो तुम्हारी होती है, राजा मैं हूं, प्रशंसा तुम्हारी होती है क्योंकि तुम हाजिर जवाबी हो। अच्छा ये बताओ, ये कला तुम्हारे जीवन में कहां से आई? तो एक सेकंड में बोल पड़ा बीरबल, ये माता पिता का आशीर्वाद। एक सेकंड में, देखिए सोचा नहीं, कहा ये कला तुम्हारे जीवन में कहां से आई? तो तुरंत कहा ये माता पिता गुरु, गुरु को भी जोड़ा, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे माता पिता और गुरु ये तीनों तुमसे ज्यादा योग्य होंगे। का आशीर्वाद तो उन्हीं का है, अब मैं ये नहीं कह सकता हूं, परंतु आशीर्वाद है उनका। ये क्या तुम्हारे पिता मुझसे बात कर सकते हैं? तुम्हारी माता बात कर सकते हैं? का माताजी तो ऊपर चली गई और पिता और गुरुजी चले गए नैमिषारण्य की परिक्रमा करने, और पिताजी घर में हैं, वो बहुत बूढ़े हैं। कहे बूढ़े हैं तो हम उनको सम्मान पूर्वक यहाँ बुलवाएंगे, और सम्मान पूर्वक जब बुलवाएंगे तो बातचीत करेंगे, तो बातचीत करने में क्या दिक्कत है? कहा हुजूर वैसे जो बातचीत करनी हो मुझसे कर लीजिए, और नहीं ही मानेंगे आप तो आपके सामने तो पेश करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मर्यादा है, आप बादशाह हैं। कहे नहीं नहीं मैं चाह रहा हूँ, मेरे सामने लाओ। अब बीरबल जी गए, पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी एक निवेदन है आपसे। क्या? बादशाह के समक्ष आपको जाना है। बूढ़ा आदमी घबरा गया, बोले बेटा मैं क्या करूंगा, तुम ही पर्याप्त हो, हमसे क्या लेना देना बादशाह का? कहे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आपसे लेना देना है। आपको मैं लेके जा रहा हूँ, बगल में मैं खड़ा रहूंगा, आपको केवल केवल पहुंचना है। अकबर आपसे लाख प्रश्न करे, आप उत्तर मत देना, मौन खड़े रहना, बस मामला मैं संभाल लूंगा, बगल में ही रहूंगा। कहे ठीक है बेटा, अब तुम ले चल रहे हो तो मैं चल रहा हूं। जैसे ही बीरबल जी अपने पिता श्री को लेके आए, हाजिर होते हैं बीरबल के पिता, अकबर सिंहासन पर बैठा है। कहता है क्यों बीरबल, यही तुम्हारे पिता हैं? बीरबल ने कहा हाँ हुजूर यही पिता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब ये तो बहुत सामान्य सी बात थी, कह सकते थे, लेकिन अब बीरबल ने कहा आपको बोलना ही नहीं है, तो वो मौन खड़े। बीरबल के अलावा भी बच्चे हैं कि केवल बीरबल है? चुप। आपकी शिक्षा कहां तक है? आपकी आयु क्या है? आपका नाम क्या है? वो मौन एकदम दिमाग झल्ला गया अकबर का बीरबल यदि किसी बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। देखा, मौन होना चाहिए, सीधी सी बात है।